कैनेडा के ब्राम्पटन से हिंदुओं पर हमले का एक और वीडियो आया सामने। हमलावर हाथों में खालिस्तानी झंडी लेकर लोगों को पीटते हुए दिखाई दिए। कैनेडा के ब्राम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के विरोध में इकट्ठा हुए हिंदू समाज के लोग, संतों ने बटोगे तो कटोगे का बुलंद किया नारा। कैनेडा के ब्राम्पटन में हिंदुओं के मंदिर में घुसकर खालिस्तानियों ने मारपीट और तोड़फोड़ की, भारी पुलिस बल तैनात, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। कैनेडा विवाद पर रवनीत सिंह बिट्टू का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान की जगह कैनेडा ने ली, अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हम टिट फॉर टैट करना भी जानते हैं। हिंदुओं के मंदिर पर हमले पर कैनेडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया ट्वीट, एक्स पर लिखा हर कैनेडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का है अधिकार। पंजाब कांग्रेस प्रमुख और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की मांग, कहा भारत सरकार के साथ लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता के आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुंबई की माहिम सीट पर माहियुती में ठन सकती है, राज शिंदे गुट के प्रत्याशी सदा सावनकर पीछे हटने को तैयार नहीं, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम से लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन, महायुति और महाविकास आघाड़ी में बागी उम्मीदवारों से संकट। चाइना एनसी ने महाविकास आघाड़ी की सभी महिला उम्मीदवारों को लिखा पत्र, सवाल उठाया कि सभी महिला उम्मीदवार उनके मामले में चुप क्यों हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखा, घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण शामिल करने की मांग की। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मौत, एक्सीडेंट के बाद कई दिनों से आईसीयू में एडमिट थे नवाब मलिक ने अपना सारा प्रोग्राम रद्द किया। झारखंड के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो जनसभाओं को करेंगे संबोधित, सुबह 11:30 बजे गढ़वा और दोपहर 3 बजे चाईबासा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में दरवाजे खुले छोड़े, घुसपैठी हमारी बेटी बहनों के साथ दूसरी और तीसरी शादी करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस ने कहा बीजेपी सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं थे। चुनाव के पहले बीजेपी ने जेएमएम को दिया बड़ा झटका, सीएम हेमंत के प्रस्तावक मंडल मुर्मू बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, कहा सरकार बनी तो यूसीसी होगा लागू, आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर पलटवार, कहा ना यूसीसी लागू होगा और ना ही एनआरसी, झारखंड में सीएनटी और एसपीटी रहेगा। हेमंता बिस्व शर्मा का राहुल गांधी पर आरोप, कहा राहुल गांधी हिंदू और आदिवासियों को बांटने का कर रहे हैं काम, इसीलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड में लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वरम उरांव ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश की, वोट के लिए इंशाअल्लाह का लगाया नारा। जमीयत उलेमा हिंद ने वक्फ संशोधन बिल को किया अस्वीकार, सम्मेलन में कहा कि सरकार बिल को वापस ले, मुसलमान किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्फ संशोधन बिल पर भड़के मौलाना अरशद मदनी, मुसलमानों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप, कहा भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए जहन्नम बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को अघोषित लैंड माफिया बताया, कहा वक्फ के बहाने कांग्रेस गृह युद्ध कराने की साजिश कर रही है, कांग्रेस ने कहा वक्फ का मामला कभी विवादित नहीं रहा। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत के साथ स्पीकर का होगा चुनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ विधायक अब्दुल रहीम रादर बनेंगे स्पीकर, बाद में उपराज्यपाल का होगा अभिभाषण। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड से बड़ा हमला, 12 लोग हुए जख्मी, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम और सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए सवाल, कांग्रेस ने साजिश की आशंका जाहिर की, बीजेपी ने कहा दोषियों को कब्र तक पहुंचाया जाएगा। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले पर उपराज्यपाल ने डीजीपी और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से बात की, आतंकियों को सहयोग देने वालों और आतंक पर लगाम लगाने का निर्देश दिया।